हाई एवरी वन वेलकम बैक मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ ओ टू आई एस एकेडमी मैं आपको करवाने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं चाहे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हो या फिर अपना पर्स्पेक्टिव डेवलप करने के लिए कि हिमाचल में चल क्या रहा है जैसे कि हम लोग स्टैटिक पोर्शन भी देखेंगे थोड़ा सा लवी फेयर है आपका नवम्बर में लवी है पत्थर का खेल है फिर कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है की बहुत सारा उगा है इस बार हिमाचल में सो बस यही कुछ न्यूज़ देखने वाले हैं और अगर आप हिमाचल में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेंगे आज हम देखेंगे इवेंट्स जो फर्स्ट टू फिफ्टीन नवंबर के बीच में हुए हैं उसके अलावा हम लोग मंथली एक या दो वीडियोस आपके रहते हैं तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें इसके लिए डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स की किस तरीके से जो है तैयारी की जा सकती है और कोई सवाल रहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो आई ट्राई टू आंसर टू योर क्वेरीज शुरुआत करेंगे हम अपनी पहली न्यूज़ के साथ में जैसा मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना उसमें दो चीज़ें रहती हैं आपकी दोनों ही रहती हैं एक आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है जैसे कि अब फेयर है अब आप पढ़ोगे कि आपने नवंबर के करंट अफेयर्स पढ़े उसमें फेयर पढ़ा इसका मतलब लवी जो है वो आपके नवंबर में मनाया जाता है एक ऐसे करके रिलेट करना होता है एक होता है कि हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि किस तरीके से ये मनाया गया कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे याद करने होते हैं फॉर एग्जांपल आपका लवी का मेला है तो कहाँ पर ये मनाते हैं ये आपका मनाया जाता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में शिमला डिस्ट्रिक्ट में मनाते हैं चार दिन का होता है एक इंटरनेशनल फेयर यहाँ पर ये है सो so, इस तरीके से कुछ इसके पॉइंट हो गए फिर आती है इसकी हिस्ट्री पीछे जो कि हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से आपके कुछ फेयर्स एंड फेस्टिवल यहाँ पर रहते हैं शिमला में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जिसमें से वन ऑफ दी बिगेस्ट जो है वो लवी का ही मेला है ये बाकी के जो नोट्स हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा तो जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर भी रहेगा एज़ वेल एज़ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी यहाँ पर ये मैप्स वगैरह आपको मिल जाएंगे तो जब हम लोग लवी की बात करते हैं तो ये बहुत पुर, बहुत पुराने टाइम से यहाँ पर मनाया जाता है ये तब था जब किन्नौर होता ही नहीं था किन्नौर जो है बहुत बाद में जाके चीनी तहसील यहाँ पर बनाया उससे पहले ये सारा का सारा शिमला ही रहता था अभी यहाँ पर राजा जो राज किया करते थे उनका नाम था राजा केहरी सिंह राजा केहरी सिंह एक बहुत अच्छे शासक यहाँ पर रहे हैं उसके अलावा यहाँ पर आपका तिब्बत है तो एक बार क्या हुआ यहाँ पर लद्दाख है लद्दाख के राजा और जो तिब्बत के राजा थे उनके बीच में झगड़ा हो गया या मतलब जो भी है उनके बीच में वॉर हुई उनके बीच में जो वहाँ पर फ्रिक्शन है वो देखने को मिला तो इस वक्त राजा केहरी सिंह ने हेल्प किया था तिब्बत को और इसी दौरान जो है आपके कुछ यहाँ पर चीज़ें आई थी जैसे कि यहाँ पर ये आपकी हंगरंग वैली है हंगरंग वैली गिफ्ट में दी गई थी राजा केहरी सिंह को इन जो तिब्बत के राजा थे उन्होंने उसके अलावा इसी टाइम जो है ये लवी फेयर की शुरुआत की गई थी ये एक ट्रेड फेयर था तिब्बत के बीच में और हिमाचल या फिर हम कहें जो ये आपका रामपुर यहाँ पर था या शिमला जो उस वक्त हुआ करता था उसके बीच में ये टैक्स फ्री ट्रेड हुआ करता था तो यहाँ पे बहुत सारे लोग दूर दूर से पश्मीना वूल एनिमल्स वो सारे के सारे लेकर आते थे धीरे धीरे इसमें कल्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए गए इनफैक्ट जब भारत आज़ाद हो गया उसके भी कई साल तक यहाँ पर टैक्स फ्री ट्रेड चला है जब तक बॉर्डर्स जो हैं वो बंद नहीं किए गए तो इस तरीके से हम लोग इसकी हिस्ट्री यहाँ पर देखते हैं इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग uh, बात ये भी हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर हर साल चतुरमुख uh, चतुर्मुखी हॉर्सेज आते हैं अब ये क्या है इनको कहा जाता है शिप ऑफ द कोल्ड डेजर्ट तो जैसा हम लोग जानते हैं इस ऊपर की तरफ जब हम लोग जाते हैं ट्रांस हिमालयन रीजन में तो यहां पर ये आपका सारा कोल्ड डेजर्ट है तो यहाँ पर नॉर्मल घोड़े तो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाते तो यहाँ पर ये यह आपके हॉर्सेज जो कि माना जाता है तिब्बत एरिया से या स्पीति के एरिया में रहते हैं चतुर्मुखी हॉर्सेज वो यहाँ पर रहते हैं तो उनको इस ट्रेड फेयर में लाया जाता है एंडेंजर्ड स्पीशी यहाँ पर यह है ठीक है तो ये कुछ फैक्ट्स हमें यहाँ पर याद रखने के लिए रहते हैं कि अक्टूबर नवंबर में मनाते हैं रामपुर में मनाते हैं चार दिन का होता है इंटरनेशनल फेयर है किसने शुरू किया राजा केहरी सिंह के टाइम पे ये यहाँ पर शुरू किया गया तो बहुत ही पुराना यहाँ पर ये यह मेला जो है मनाया जाता है फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगेन नवंबर के महीने में एक और मेला मनाते हैं पत्थरों का मेला या पत्थर का खेल तो ये जो पत्थर का खेल है ये भी शिमला में मनाते हैं धामी में और धामी में भी स्पेसिफिक जो जगह का नाम है वो है हलोग तो वहां पर ये मनाया जाता है अब इसमें जब हम पीछे इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो यहां पर जो आपका ये मंदिर भी है इनफैक्ट यहाँ पर जो सैक्रिफाइस दिया जाता था वो सबसे पहले ह्यूमन सैक्रिफाइस दिया जाता था किसी इंसान को यहाँ पर जो है बलि दी जाती थी फिर उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई फिर जो एक रानी थी उन्होंने सती किया था उसके बाद में और जो जानवर हैं उनकी बलि दी गई फिर पेठा या ऐसे ऐसे करके जो है वो नीचे आता गया अभी जो है उसने इस तरीके का रूप ले लिया कि अभी वहां पर ये पत्थर का खेल खेला जाता है यानी कि कुछ 40-50 मिनट तक लोग एक दूसरे पे पत्थर मारते हैं जिसको चोट लगती है जिसका खून निकलता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है तो उस खून का जो तिलक है वो आपकी यहाँ पर जो काली माता है भीमा काली माता है उनको लगाया जाता है तो उसको बहुत ही लक्की माना जाता है यहाँ पर सो इस तरीके से ये यहाँ पर हम लोग मनाते हैं तो तीन चार फैक्ट है अगेन याद रखने के लिए एक होता है जो आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हो और एक होता है फैक्ट याद रखने होते हैं कि अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाते हैं धामी में जो हलोग है वहाँ पर ये मनाते हैं धामी की कैपिटल हुआ करती थी हलोग और धामी की जो आ, आपकी स्थापना है वो पृथ्वीराज चौहान के आगे जो वंचज रहे हैं उन्होंने यहाँ पर की है ठीक है जी तो इस तरीके से या बाद में भी पढ़ सकते हो ये मैंने आपको सारी सारी बातें बता नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि वर्क ऑन फिफ्टीन फाइव फाइव करोड़ रो, uh, रोप वे इन शिमला विल बिगन नेक्स्ट ईयर तो आसान भाषा में मैं आपको बहुत बार न्यूज़ में पढ़ाती हुई ये कि बेसिक हम क्या करना चाहते हैं ये शिमला है हम शिमला को डी करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लाइक बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है बहुत सारे लोग आते हैं टूरिस्ट आते हैं तो हम इसको डी करना चाहते हैं कैसे करेंगे ये आपका मेजर शिमला टाउन है इसके आसपास हमने सैटेलाइट टाउन्स जो हैं जैसे नारकंडा है नालदेरा वो सारे के सारे यहाँ पर आ, हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि हम इनको डेवलप करेंगे ताकि यहाँ से जो है आपका डी हो सके इसी में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जैसे कि आपके रोप हैं और भी बाकी आपके बस स्टैंड वगैरह जो हैं सारे के सारे डेवलप किए जाएंगे या इको टूरिज्म की जो साइट्स हैं या ट्रेल्स हो गए वो बनाए जाएंगे तो ये न्यूज़ बेसिक बात कर रही है कि किस तरीके से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी डेवलप करना है इसमें पैसा आया है बनते बनते जब भी बनेगा तो हम लोग देखेंगे पर ये आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आप मेंस में कहीं पे लिखना चाहते हो कि देखो शिमला को डी कैसे किया जा सकता है इस तरीके के रोपवे से या सरकार क्या कर रही है तो वो इस तरीके के यहाँ पर चीज़ें जो है वो बना रही है बोर्डिंग या डी बोर्डिंग स्टेशन बन रहे हैं रोपवेज जो हैं उनके उनको बनाया जा रहा है तो इस तरीके से नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आ जाती है कीवी की तो ये जो फोटो है ये मेरे घर के पास ही में है ये मेरी माता जी ने क्लिक की है यहाँ पे तो इस तरीके से बहुत सारा कीवी इस बार हिमाचल में हुआ अब बेसिक आइडिया यहाँ पे पता है क्या है कि अक्टूबर और जो नवंबर है ना उसके आसपास कोई बहुत एकदम फ्रेश फ्रूट होता नहीं है क्योंकि एप्पल का सीजन भी ख़त्म हो गया है बाकी चीज़ें जो हैं थोड़ी तो थोड़ी तो तो लगती हैं ऐसे करके तो इस बार क्या हुआ इस बार कीवी बहुत लगा है तो इससे क्या होगा लोगों को बहुत फ़ायदा होगा स्पेशली जो फार्मर्स हैं ये जो एक पीस है ये ढाई सौ का जाता है तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो है डेफ़िनेटली लेकिन उसके बाद में फार्मर्स को यहाँ पर फायदा भी काफ़ी ज़्यादा होगा अब कीवी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन ए ई सी सब कुछ इसमें रहता है जब भी आपके प्लेटलेट्स कम होते हैं तो कीवी यहाँ पर जो है वो आपको रिकमेंड किया जाता है है ना कुछ स्टैट्स इसमें हम लोग देखेंगे स्टैट्स जैसे जिनको आप मेंशन कर सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे एक्स्ट्रा नंबर आपको लेकर आएंगे जैसे कि कीवी जो है इस बार हमने Uh, 122 सौ हेक्टेयर में लगाया है और यूजुअली जो है प्रोडक्शन रहता है इतना सा इतने टन रहता है अभी तक हमने ऑलरेडी 102 क्विंटल यहाँ पर बेच दिया है सो so, 102 क्विंटल बेसिक आइडिया क्या है कि हिमाचल जो है ना वो है एप्पल की इकोनॉमी हम मेजर जो यहाँ पर उगाते हैं वो है एप्पल हम उसको शिफ्ट करना चाहते हैं और चीज़ों में और फ्रूट्स uh, में और जैसे कि अगर एप्पल फॉर एग्जांपल इस साल फ्लड जाए तो नहीं बिक पाया जितना उसको बिकना था या बहुत सारा वेस्ट हो गया लोगों को फेंकना पड़ा रोड्स ब्लॉक थे सौ तरीके की चीज़ें थी तो हम वो जो एक ही चीज़ के ऊपर है ना इकोनमीट टिकी हुई हॉर्टिकल्चर की हम उसको इधर उधर इधर उधर करना चाहते हैं जैसे कि हमने शिवा प्रोजेक्ट पढ़ते हैं हम लोग शिवा प्रोजेक्ट क्या बात करता है कि जितने भी शिवालिक्स में लगने वाली चीज़ें हैं सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे आपके मौसमी हो गया गुआवा प्लम ये सारी चीज़ें हम लोग उगाना चाहते हैं तो सेम वे कीवी भी उसमें ऐड की जा सकती है कि हम लोग इसको भी यहाँ पर उगा सकते हैं अब देखते हैं कि हिमाचल में ना चार एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जिसमें चार अलग अलग चीज़ें उगती हैं सबसे नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं लोअर हिल्स बोल दिया या शिवालिक्स बोल देते हैं यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स जो मैं बोल रही हूँ कि प्लम है मौसमी है ये सारी चीज़ें लगती हैं दूसरा आ गया जो ग्रीन वाला है ये है मिड हिल्स ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है यहाँ पे जो है सोना सोना उगने वाली जो जमीन है वो रहती है ऐसे कुछ फेंको तो वो भी लग जाता है वैसा सा कुछ है और फिर है आपका टेम्परेट वेट एंड देन द लास्ट वन इज टेम्परेट ड्राई ये आपका थोड़ा हम कोल्ड डेजर्ट जो इसको यहाँ पर बोलते हैं अब इन चारों में अलग तरीके का क्लाइमेट है अलग तरीके की चीजें लगती हैं जो ये कीवी की हम लोग बात कर रहे हैं कीवी इस ग्रीन वाले जो मिड हिल्स हैं यहाँ पर लगता है क्योंकि यहाँ पर बारिश मतलब जो मॉइस्चर है वो काफ़ी अच्छा रहता है और इसी तरीके के एरिया में कीवी उगता है तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस में लगता है तो ये आपका लगता है जो सेकेंड टाइप है जिसको हम लोग मिड हिल्स कहते हैं यहाँ पर वहाँ पर ठीक है बाकी भी चीज़ें हैं जैसे कि अब एप्पल की ही बात है तो एप्पल इस सारे एरिया में लगता है लेकिन जो क्वालिटी है वो डिफ़रेंट डिफरेंट है अगर हम लोग स्पीति के एप्पल की बात करते हैं तो वो डिफरेंट रहता है साइज़ में लेकिन जब टेम्परेट जो वेट है ये वाले एरिया में बहुत अच्छा एप्पल लगता है देन आपका ये जो है नीचे छोटा एप्पल का साइज छोटा होता है तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हम लोग डिफरेंट चीज़ें उगाते हैं यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं तो इधर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं इंक्लूडिंग क्रॉप्स फ्रूट्स मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज फ्लावर्स तो अलग अलग कारोबार है फ्लारीकल्चर से लेके स्पाइसेस से लेके तो यहाँ पर बहुत कुछ उगाया जा सकता है ठीक है जी तो ये आपकी न्यूज़ थी नेक्स्ट हम लोग आ गए ऊना का बैम्बू प्रोजेक्ट टू बी फंक्शनल इन डिसम्बर अब जो बैम्बू है ना अगर हम लोग बात करते हैं बैम्बू की इकोनमी अलग चल रही है ये एक प्लांटेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं इससे नैपकिन से लेके बैम्बू के जो होते हैं वो बैम्बू के टूथब्रश बहुत सारी चीजें बन सकती हैं बेसिक आइडिया क्या है कि अब ना लोग थोड़े से जागरूक हो रहे हैं या हम कह सकते हैं कि सेंसिटिव हो रहे हैं कि हमें नॉन प्लास्टिक चीजें चाहिए प्लास्टिक यूज नहीं करना है प्लान इट्स हार्मफुल फॉर अस तो हम ना ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं अब ऑल्टरनेटिव में बैम्बू एक बहुत अच्छा आता है तो इसीलिए हिमाचल भी अभी आगे बढ़ रहा है कि हम लोग को भी इसमें पार्ट लेना है तो हिमाचल में जो सबसे पहला बैम्बू विलेज प्रोजेक्ट है वो है आपका घलवाल विलेज ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट तो अगर इसकी मैंने प्रोनाशिएशन इस गलत बताई है तो ये आप लोग बताना ये नेशनल बैम्बू मिशन के साथ में मिलके हम लोग जो लोकल फार्मर्स हैं उनको बूस्ट करना चाहते हैं ताकि वो कल्टीवेट करें करें बैम्बू को और आगे जो भी उसका प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी लगाया जाए जैसे कि एक मशीनरी लगाने की बात जो है वो की जा रही है जो कि यहाँ पर आपके हर महीने सेवेंटी फाइव थाउजेंड टूथ ब्रशेज प्रोड्यूस करेगी इस तरीके के बैम्बू के तो इससे काफी ज्यादा हेल्प होगा ये फिर एक हमने मशीन लगा दी फिर हम वहाँ पर जैसे आपके बायोडिग्रेडेबल टिश्यूज़ बनते हैं वो भी यहाँ पर लग जाएंगे तो ऐसे करके इसमें एडिशन जो है कोम्स हो गई बहुत सारी चीज़ें बन सकती है ना तो वो सारी की सारी एक इकोनमी एक बन जाएगी जो फार्मर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा और हम लोग प्लानट में भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रीन स्टेट तो हम लोग हैं ही ठीक है तो ये आपका न्यूज़ है तो याद रखना है सबसे पहले कि ये जो पहला आपका बैम्बू विलेज है ये आपका ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में है घलुवाल विलेज में फिर के फैक्ट्स आ जाते हैं फिर मेंस का ये आ जाता है कि किस तरीके से ये बहुत एक अच्छा यहाँ पर लाइक uh, ऑल्टरनेटिव like, है फॉर प्लास्टिक फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मुझे ऐसी न्यूज़ बहुत अच्छी लगती है पर्सनली कि इससे पता चलता है कि आर एंड डी रिसर्च जो है ना वो कितना आगे बढ़ सकता है अब ये न्यूज़ क्या बात करिए कि जब भी कोई इम्प्लांट होता है हमारी बॉडी में तो उससे ना इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे कि पेस मेकर है दिल में लगाया जाता है कोई भी इंजरी हो जाती है तो कुछ ना कुछ उसमें इम्प्लान डालते हैं हिप uh, जब रिप्लेसमेंट होता है नीज़ में रहता है कॉन्ट्रासेप्टिव भी होते हैं इनफैक्ट तो ये सारे के सारे ना जब भी हमारी बॉडी में डाले जाते हैं जैसे पेस मेकर लगा दिया तो उसमें थोड़े टाइम के बाद ना बायोफिल्म बन जाती है जिससे इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो यहाँ पर बढ़ जाता है अब इस यहाँ पर जो आपकी मंडी की आईआईटी टीम है इन्होंने खोज के निकाला एक और इसका ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव बहुत जिसके डीप साइंस में नहीं जाएंगे वो उनके लिए छोड़ देंगे आसान भाषा में एम सी ग्लाइकोशीट्स याद रखिएगा एम ये जो ग्लाइकोशीट्स हैं ये बहुत ही कंपैटिबल है ये लीच नहीं करते हैं आफ्टर अ टाइम और इसकी है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंटीबैक्टीरियल का मतलब ही ये है कि जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पर इसमें नहीं होगा तो इसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इनफैक्ट लॉन्गर रन में इम्प्लांट जो टेक्नोलॉजी है उसमें फ़ायदा पहुँचेगा और मेडिकल साइड पर काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा तो ये इस तरीके की आर एन डी जो न्यूज़ होती है इनको बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है स्पेशली आई आई टी मंडी बहुत अच्छा करता है इसमें तो हम लोग इनकी तीन चार न्यूज़ तो देखते ही हैं हर साल ठीक है बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना होता याद नहीं करना होता कि कैसे साइंस क्या थी इसके पीछे बहुत डिटेल बल्ले हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं फिर नेक्स्ट न्यूज आ जाती है हमारी कि सेंटर जो है उसने वाटर सेस को बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो इसके पीछे की बैक स्टोरी सुनाती हूं अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो तो तो आपको पता होगी कि मार्च आपका 2023 में क्या हुआ कि एक एक्ट यहां पर पास किया गया उसमें ना एक वाटर सेस की बात की हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने अभी पहली बार कांग्रेस की सरकार आई पहली बार इन द सेंस लाइक थोड़े टाइम से तो इस कांग्रेस की सरकार ने बोला कि हम लोग एक वाटर सेस लगाएंगे अब वाटर सेस होता क्या है ये होती है एक एडिशनल थोड़ी सी कोई एडिशनल फीस लगा दी जाएगी कि हम लोग वाटर जो जल है वो एक आपका स्टेट का सब्जेक्ट है तो बोलते हैं जितना भी हम लोग हाइड्रो पावर जनरेशन करेंगे जितना भी हम ये बिजली बनाएंगे इसके ऊपर एक एडिशनल चार्ज लगेगा इससे क्या होगा इससे बिजली थोड़ी सी महंगी हो जाएगी और जैसे हम और राज्यों को भी ये देते हैं तो उनको ये यहाँ पर भरना है बेसिकली तो क्या होगा मतलब उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि देखो सरकार जो है वो थोड़े आ, उधार में है तो वो थोड़ा धीरे धीरे रिवाइव हो जाएगा लेकिन अब इसके ऊपर जब ये जो सेस है आपका बनाया गया इसमें कमीशन भी बैठ गया वाटर सेस का कमीशन बैठ गया एक इसमें जो चेयरमैन है वो भी रख दिया गया साथ में जो मेंबर्स हैं वो भी अपॉइंट कर दिए गए ऐसे करके अब जो प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने कर दी हाँ लेकिन जो पब्लिक थी उन्होंने किसको यहाँ पर अप्रोच किया उन्होंने किया हाई ये आपका जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है उनको यहाँ पर उन्होंने उनके पास ये ख़ुद भी पढ़ लेना है थोड़ा सा वैसे मैंने बताई दिया आपको कि मुद्दा क्या है वाटर सेस की शुरुआत कहाँ कहाँ से हुई बाकी कुछ कंपनीज़ के नाम आ जाते देखो हमारे यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे आ, रन करती हैं जो कंपनीज हैं जैसे आपका एन एच पी सी सुनाया आपने नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन फिर आ गया आपका एन टी पी सी जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है बी बी एम बी भाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हम लोग जानते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स तो ये सारे के सारे यहाँ पर Uh, जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो जेनरेशन है हाइड्रो पावर की जेनरेशन है उसमें हम लोग इनको यहाँ पे देखते हैं ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी न्यूज़ uh, काफ़ी बड़ी है बड़े सारे लोगों के नाम हैं बेसिक आइडिया इज कि तीन लोग इकट्ठे आए हैं एक है हिमाचल की सरकार एक है आपकी दिख नहीं रहा ना चलो यहाँ जैसे लिख देती हूँ एक है आपकी हिमाचल की सरकार एक है जो आपकी सेंटर है और फिर वर्ल्ड बैंक ये लोग साथ में आए इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने कुछ पैसा दिया है यहाँ पे कुछ नहीं बहुत सारा पैसा दिया है दैट इज़ टू हंड्रेड मिलियन डॉलर्स तो ये है ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए ग्रीन इनिशिएटिव्स का मतलब है कि हमने रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ बढ़ना है जैसा हमने देखा कि जब आपका बजट भी आया था हिमाचल का तो उसमें यही बात की गई है कि हिमाचल को हमने ग्रीन स्टेट बनाना है यानी कि जितनी भी डिपेंडेंसी हमारी इन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर है इसको हमने शिफ्ट करना है रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ ठीक है तो उसी के लिए ये साथ में आए हैं अभी ये पैसा आया है इसके बारे में हम लोग ज़रूर लिख सकते हैं कि अगर पूछ लिया जाता है तो कि क्या क्या इससे फ़ायदे रहेंगे हम फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करना चाहते हैं जो भी सरप्लस हाइड्रो पावर है उसको यहाँ पर मैनेज करना चाहते हैं गुड प्रमोट गुड एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस रिन्यूएबल ग्रीन सोर्सेज यहाँ पर आप बेसिक सी चीज़ें लिख सकते हो आराम से लिख सकते हो तो एक बार कोशिश करनी है क्वेश्चन लिखने की अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन चाहिए आपको तो मैं क्वेश्चन भी बना के दे दूंगी पर लिखना है अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मेंस लिखना चाहते हो किसी भी एग्जाम का ठीक है तो ये अचीव स्ट्रेंथ एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेड हम लोग ग्रिड बना रहे हैं ना नेशनल ग्रिड की हमारे पास बड़ी सारी सरप्लस पावर रहती है उसको स्टोर करने के लिए ठीक है तो उसमें उसमें हेल्प मिलेगी एन एच पी सी इज इज टू कंट्रीब्यूट सेवेंटी परसेंट फंड ऑफ चैनलिंग पिन पार्वती वाटर्स इस न्यूज में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज़ बात करिए कि ये जो एन एच पी सी है ये आपका कुछ सत्तर प्रतिशत खर्चा उठा रहे हैं पिन पार्वती वाटर्स को इधर उधर करने के लिए क्योंकि फ्लड्स आए थे तो उसको अभी ठीक करना है लेकिन लोकेशन में आपको बताना चाहती हूँ ये है हमारे जो रिवर्स हैं हिमाचल की है ना तो इसमें आप देख सकते हो कि जब आप यहां पे फोकस करते हो यहां जैसे पिन और पार्वती कहां जैसे है कुल्लू का एरिया आ गया आपका ये देखो ये आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जो डाक वाला है यहां जैसे ये यह आपकी पार्वती रिवर है और इधर को ऊपर को जो है ऐसे करके पिन रिवर जाती है जो ऊपर की तरफ जाती है स्पीति के साथ में और स्पीति नीचे आकर सतलुज से मिलती है तो पिन किसकी ट्रिब्यूटरी है पिन है आपकी स्पीति की ट्रिब्यूटरी स्पीति है आगे सतलुज की ट्रिब्यूटरी लेकिन जो पार्वती है पार्वती आपकी आगे हम लोग देखते हैं कि आपकी ब्यास रिवर जाती है उसकी ट्रिब्यूटरी है ठीक है लेकिन एरिया ये सिंस कॉमन आता है तो यहां जैसे आपका इसको हम लोग सेंज ये आपकी जितनी भी वैली है यहाँ पर उसको हम लोग सेंज मार्केट उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वाटर जो चैनलाइजिंग है वो की जा रही है नेक्स्ट न्यूज है डिटेक्टिंग लैंडस्लाइड्स ये हम लोग देख रहे हैं ये अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ कि हम लोग बहुत सारे ऐसे मॉनिटरिंग सिस्टम जो है लगाते रहते हैं ताकि हम लैंडस्लाइड्स हो गए सिंकिंग इवेंट्स हैं इनको थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सके काफ़ी मुश्किल है जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं हिमाचल के बड़े सारे पहाड़ हैं बहुत सालों साल पुराने पहाड़ हैं तो वो कब इधर से उधर खिसक जाते हैं हमें पता नहीं चलता है लेकिन इसके लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं इस तरीके के अलर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के जिनको टाइम टू टाइम इंस्टॉल किया जाता है वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ताकि आने वाले टाइम में टीस हमें हल्का सा हिंट लग सके तो हम लोग जो डैमेज होने वाला है उसको यहाँ पर रिड्यूस कर सके नेक्स्ट आ गई न्यूज़ हिमाचल की क्रिप्टो करेंसी स्कैम की ये तो आप लोगों ने अभी वैसे भी सुन ही लिया होगा कि हिमाचल प्रदेश में दो करोड़ रुपए का एक क्रिप्टो करेंसी का स्कैम हुआ शायद वो होते हैं शरीफ होते हैं हिमाचली तो हुआ बेसिकली यहाँ पे क्या कि स्टार्टिंग में जो लोग आए ना उनको कुछ प्रॉफिट दिखाया गया वेबसाइट वगैरह भी बनाई कि देखो इतना प्रॉफिट है क्रिप्टो करेंसी के नाम थे कॉरवियो डी जी टी कॉइंस और ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी चल नहीं रही चल तो रही ही है डेफ़िनेटली हमने बिटकॉइन डोजे कॉइन बड़ी सारी चीज़ें सुनते हैं तो स्टार्टिंग में जो है टेन परसेंट का कुछ उनको हाई रिटर्न्स मिले होंगे इसके बाद में साथ में जो लोग हैं वो ऐड होते गए कि आप भी ज्वाइन करो आप भी ज्वाइन करो इसमें तो बहुत सारा फायदा है और ऐसे ऐसे करके ये इतना बड़ा हो गया कि दो हज़ार करोड़ रुपए यहाँ पर इसमें आ गए अब पुलिस जो है इसमें ट्रैक नहीं कर पा रही क्योंकि सारा मैक्सिमम जितना भी कुछ हुआ है वो कैश में हुआ है तो कैश को लाइक डिजिटल फुटप्रिंट होता है कैश में फुटप्रिंट ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो दे आर ट्राइंग कि हम लोग इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करें लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप भी सावधान रहें और सतर्क रहें थोड़ा सा उसकी जो भी ऑथेंटिसिटी है उसको चेक करना आना चाहिए अब ऐसा नहीं है कि आपने क्रिप्टो करेंसी ही छोड़ देनी है जो आपकी हमारी ऐप्स चलती हैं कोई भी आपकी लाइक आप अगर कुछ जानते हो इसके बारे में तो वो आपको ऑलरेडी पता होगा लेकिन ऐसे बिल्कुल फेक चीज़ों में उसको जज करना है उसको टेस्ट करना है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है और इस तरीके के स्कैम्स में नहीं फंसना है ठीक है नेक्स्ट हमारी न्यूज आ जाती है नूरपुर एरिया सफरिंग फॉर इन्फेक्शियस डिजीज मेरे को बहुत पसंद है ये टॉपिक पसंद ऐसा है टॉपिक कि ये केस स्टडी है बेसिकली कि हिमाचल में किस तरीके से केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं Uh, आपका ड्रग अब्यूज में है ना ड्रग अब्यूज या ड्रग मैनेस में मेंस का एक टॉपिक आ जाता है अलग से बेसिक आइडिया स्विट्जरलैंड की भी केस स्टडी थी वहां पे क्या हुआ था जब भी जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है चिट्टा हेरोइन कोकेन इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इनका यूज़ बढ़ रहा है तो इसमें क्या होता है ये इंजेक्ट किए जाते हैं इंजेक्ट कैसे करते हैं सिरिंज से सिरिंज जो है वो गंदी बार बार यूज की जाती है जिससे बहुत ज़्यादा हमें चांसेस देखने को मिलते हैं एच हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी तो यहाँ पर देख लो कि एक सौ एडिक्स को चेक किया गया उसमें से एक जो है उनको ये डिजीज थी तो लाइक इसमें आपको ना बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप जो है किसी चीज़ को इलीगल कर देते हैं उससे चीज़ों का यूज़ रुक जाता है हम लोग हिमाचल में देख ही रहे हैं एडिक्स हैं बहुत सारे यहाँ पर अच्छा खासा रोल हम देखते हैं गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल का क्या है यहाँ पर ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान है जहाँ पर ये काफ़ी भारी मात्रा में जो चिट्टा है वो बनाया जाता है और वो बर्मा लाओस और थाईलैंड बर्मा यानी कि तो यहां से वो म्यानमारो को जब जाता है या मूव करता है तो बीच में आता है इंडिया और इंडिया सबसे पहले हिमाचल जहां पर हम लोग वीड का यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं तो इसी दौरान हिमाचल जो है बीच में एक हब बन जाता है और स्पेसिफिकली पंजाब के साथ में बाउंड्री शेयर करता है तो हम लोग यहां पर बहुत सारे इस तरीके के यूजेस देखते हैं तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि गोल्डन क्रेसेंट गोल्डन ट्राइंगल क्या है ड्रग मैनेस में अभी ये नया चैलेंज हम लोग देख रहे हैं जो कि इस तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज देख रहे हैं और स्पेशली ये नूरपुर में देखा जाता है ये है आपका कांगड़ा का नूरपुर और यहां पर ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल पर, ये आपके पंजाब का तो यहाँ पर बड़े सारे केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं अलग अलग चीज़ें की जाती है सब डिविज़न के नए नए ऑफिसर जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट के बनाए गए हैं सी आपका सी सी टी एन एस जो सिस्टम है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है तो इसको हमें किस तरीके से बैलेंस आउट करना है ये मैंने ड्रग मैनेज के ऊपर अलग से एक वीडियो भी किया था वो अगर देखना होगा तो वो भी देख सकते हो बेसिक आइडिया इज कि Uh, दो तरीके से इसको ठीक मतलब रोकने की कोशिश की जाती है पहली चीज़ें हैं जो बैन की जाती है दूसरी चीज़ जिसके ऊपर फोकस करना होगा वो है रिहेबिलिटेशन अब जैसे uh, जब ही आपका स्विट्जरलैंड में ये हुआ था तो वहां पर क्या किया गया था जब लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया तो उनको साफ रेंजेस दी गई अच्छी क्वालिटी का जो भी आपका हीरोइन हे, हे, कोकेन था वो दिया गया और उसको धीरे धीरे कम किया गया धीरे धीरे कम किया गया तो धीरे धीरे उन्होंने खुद ही छोड़ दिया इसके ऊपर एक एक चैनल है मुझे बाद में याद आएगा वो टेक्स्ट करना बहुत अच्छी एनिमेशन है बहुत ही प्यारा उन्होंने केस ट्रड्यूस की हुई है तो वो मैं ज़रूर आपके साथ कमेंट सेक्शन में यहाँ पर शेयर कर दूंगी नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है हिमाचल की जो पुलिस है उनको सेकंड यहाँ पर अगेन रैंक किया गया है क्राइम ट्रैकिंग में तो हिमाचल को अक्सर हर साल ही ये यह अवार्ड यहाँ पर मिलता है फर्स्ट रैंक करते हैं स्पेशली बिकॉज ऑफ सी सी टी एन एस दैट इज़ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम जैसे कि जो इनका सिस्टम है इट्स वेरी फास्ट इट्स अगर आप हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस हैं उनका वेबसाइट चलाओगे तो वहाँ पे देखोगे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की गई हैं वहाँ पे सारे अपडेट्स दे सकते हो तो इस तरीके से बड़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं इसमें भी एक प्रगति की रैंकिंग आती है प्रगति है जी आपका प्रो एक्टिव गवर्नेस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा हिमाचल का स्कोर है अलग से एक कैटेगरी है हिली स्टेट्स की उसमें हिमाचल फर्स्ट आया है लाइक फर्स्ट रैंक किया है और ऑल ओवर इंडिया जो है वो सेकेंड रैंक यहाँ पर किया है तो इस तरीके से हिमाचल इज डूइंग गुड ह्यूर चौरासी पौड़ी ऑफ ऊना टू बी रिस्टोर ऊना में ये जो पौड़ियाँ हैं ये चौरासी पौड़ियाँ हैं जो जैसे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से चौरासी आपकी योनिया होती हैं इंसान को मोक्ष मिलने से पहले तो उस तरीके से इनको जो है इंटैक जो आपका इंडियन इन, नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज है वो यहाँ पर रिस्टोर कर रहा है और ऊना जो है वो वैसे ही बहुत हिस्टोरिक वैल्यू रखता है चाहे वो गुरु गोविंद जी के सिंह जी के टाइम से हो या फिर गुरु हरगोविंद सिंह जी के टाइम से रंजीत सिंह जो है उनका रोल हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसी दौरान जो आपके बाबा साहिब सिंह हैं उन्होंने काफ़ी वहाँ पर चीज़ें बनाई थी श्राइन्स बनाए थे एक बड़ा फोर्ट बनाया था और उन्हीं में से पार्ट आता है आपका चौरासी पौड़ियों का तो इसको अभी इंटैक्ट जो है यहाँ पर रिस्टोर कर आज की लास्ट न्यूज़ है हिमाचल जो है वो टैप कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में ये एक स्कीम है जिसका नाम है मार्केट uh, इंटरवेंशन स्कीम जैसे एमएसपी होता है ना क्रॉप्स पे कि अगर कोई ना खरीदे तो सरकार जो है इतने रेट पे खरीदेगी सेम वे एप्पल के ऊपर है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम अब जो सी ग्रेड का एप्पल है जैसा मैंने बताया कि हिमाचल में पूरे में एप्पल लगता है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी का लगता है और इसी दौरान जो है बहुत डैमेज भी हुआ है रेन से फ्लड से तो उसको कैसे बेचा जाए तो उसको जो है यहाँ पर ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लेकर आए हैं अब यहाँ पर लाइक थोड़ा आरॉनिक भी है कि हम लोग ज़रूरी नहीं है इसका फ़ायदा उठा ही सकते हैं अच्छा वाला जो एप्पल है वो भी कभी बाहर नहीं निकल पाया इस बार हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जैसे लोग जो हैं उन्होंने अपने पूरे के पूरे एप्पल के जो ट्रक्स थे वो फेंके क्योंकि फ्लड्स में बहुत दिन फंसे रहे वो बहुत जगह पे सो इस तरीके से इससे थोड़ा बहुत जो हेल्प है वो यहाँ पर हो सकता है जो लो ग्रेड है उस एप्पल का या उनको जो है सरकार यहाँ पर ले सकती है उसके अलावा आपको जो इसमें पता होना चाहिए वही क्या है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम क्या है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम ठीक है जी तो इसी के साथ में आज के आपके टॉपिक्स हो गए हैं खत्म और कुछ सवाल रहेंगे तो लेट मी नो उसके अलावा अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए वो मिलेंगे आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से सो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू